नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है देश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। इस बार SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। ये बैठक 15-16 अक्टूबर को होगी। बता दें कि अपने कार्यकाल में पाकिस्तान अक्टूबर में 2 दिवसीय SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की मेजबानी करेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल को अब अपनाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा मॉडल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अच्छा काम कर रही है और इसीलिए देश में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। वहीं हरियाणा में मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस की राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने संभावित सीएम के लिए कांग्रेस की पसंद को लेकर चुनौती देते हुए कहा है कि सीएम का चयन पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान से राज्य इकाई के भीतर खींचतान और बढ़ सकती है। वहीं बिहार इन दिनों जल प्रलय से ऐसे हालातों से गुजर रहा है। गंडक, कोसी, बागमती और पहाड़ी नदियां बिहार में तबाही मचा रही हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लाखों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ रहा है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन बाढ़ प्रबंधन की कोई स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण नीतीश सरकार पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इधर दिल्ली बीजेपी के विधायक शनिवार को मुख्यमंत्री आतिशी से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात DTC बस में मार्शलों की सेवा बहाल करने की मांग को लेकर है। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने कहा है कि DTC के लगभग 10,000 मार्शलों को तत्कालीन CM केजरीवाल ने पिछले साल 11 अक्टूबर को नौकरी से निकालने का आदेश जारी किया था। वहीं पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफे को अफवाह बताते हुए भाजपा के पंजाब राज्य मामलों के प्रभारी विजय रूपानी ने कहा है कि सुनील जाखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया है और पार्टी उनके नेतृत्व में पंजाब में आगामी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि जाखड़ निजी कारणों से दिल्ली गए थे, जिसके कारण वे बैठक में शामिल नहीं हो सके। इधर वृंदावन में मध्य प्रदेश सरकार के आधिपत्य वाले 11 मंदिरों की स्थिति काफी खराब है। जर्जर हो चुके इन मंदिरों पर वर्षों से यहाँ रहने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया है। वे किराया भी नाम मात्र का ही दे रहे हैं। 3 मंदिरों से जुड़ी संपत्ति को हड़पने की मंशा से कुछ लोगों ने जून 2024 में मथुरा नगर निगम से उनका नामांतरण भी करवा लिया। जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नामांतरण को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई जारी है। इधर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले को लेकर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर आए हैं और खुले आम CM भजन लाल की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी समझ से बाहर है कि मुख्यमंत्री भर्ती परीक्षा क्यों नहीं रद्द कराई जा रही है। आपको बताते चले कि SOG ने भर्ती परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की थी। वहीं हरियाणा में मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस की राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है, जहां उन्होंने संभावित CM के लिए कांग्रेस की पसंद को लेकर चुनौती देते हुए कहा कि CM का चयन पार्टी हाईकमान ही करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर से भदोही के 1.75 लाख किसानों के खाते में आ जाएगी। इस किस्त से किसानों को रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, मटर आदि फसलों की बुआई में खाद, बीज और जुताई के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़।